हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। वीवर्स, आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर पहले आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आपको लेकर क्या बातें चल रही थी। थोड़ी देर पहले आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या थे, आपका पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहा था, क्या सोच रहा था, किस एनर्जी में था, ये सारी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। ओके माय लवली वीवर्स, तो ये रीडिंग जनरल है, कल एक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी जोडियक साइंस के लिए है। मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। इस रीडिंग को आप चाहें तो एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर भी देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं, जिस इंसान के बारे में भी आप जानना चाहते हैं उनकी फीलिंग्स और सोच आपके लिए क्या हैं, तो ये रीडिंग आप उस इंसान को अपने माइंड में रखकर देख सकते हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रेस्टिस, एस ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो सबसे पहले बात करें इस पर्सन की लाइफ में किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पर्सन है जो बैसाखी के सहारे चल रहा है, उसके साथ एक और पर्सन है काफ़ी असहाय और लाचार और मजबूर दिखाई दे रहा है, और सामने वॉल पर फाइव पेंटिकल्स लगे हैं जो इन लोगों को दिखाई नहीं दे रही, या फिर ये पर्सन है इग्नोर करके चल रहे हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो फाइव ऑफ पेंटिकल्स के रूप में दिखाई दे रही हैं, पर इस पर्सन ने उन अपॉर्चुनिटीज़ को खो दिया है, ऐसा भी लग रहा है आपको खो दिया है, जिसकी वजह से इस पर्सन के लाइफ में दुख बना हुआ है। बहुत सारी हिडन फीलिंग्स यहाँ पर क्लियर द हाई प्रेस्टिस के कार्ड में दिखाई दे रही हैं। इस पर्सन का स्पिरिचुअल होना और इस पर्सन की लाइफ में दुख बना हुआ होना, ये चीज़ भी दर्शा रहा है, और साथ ही इस पर्सन की लाइफ में जो दुख है, जो दर्द है, इस पर्सन ने अपने दिल में छुपाया हुआ है। तो काफ़ी सीक्रेटिव व्यक्ति है ये। चीज़ों को छुपा कर रखना, अपने तक ही रखना, किसी को नहीं बताना, चाहे दर्द हो या करियर में कुछ उतार चढ़ाव आ रहे हों, या फिर जो कुछ भी इस पर्सन की लाइफ में चल रहा हो, इस पर्सन के कर्मों का परिणाम हो, या फिर इस पर्सन के ही जीवन में जो दुख है, जो भी चल रहा है ना, वो जो भी इस पर्सन को दुख मिल रहा है, दर्द मिल रहा है, ये पर्सन अपने तक सीमित रखे हुए है, ये आपको नहीं बता रहा। पर आपसे इस पर्सन की दूरियां क्लियर दिखाई दे रही हैं, और एक चीज़ दिखाई दे रही है कि इन दूरियों को ये पर्सन मिटाना चाहता है, एक नई शुरुआत चाहता है, पर ऐसा कर नहीं पा रहा अपनी मजबूरियों की वजह से, और ये ऐसा नहीं कर पा रहा, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान भी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के साथ साथ टू ऑफ सोर्ड्स के कार्ड का आना इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि प्रेजेंट में ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ ये पर्सन अपने दिल की बात को खुलकर व्यक्त करना चाहता है, बताना चाहता है, और एक नई शुरुआत चाहता है, फिर भी कर नहीं पा रहा खुद को प्रोटेक्ट करने की, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कोशिश कर रहा है, और ये पर्सन छुपा कर रखे हुए हैं ना जिन चीज़ों को, उनको अपने तक ही सीमित रखे हुए हैं, और ऐसा ये आगे भी करने वाला है, क्योंकि ये पर्सन खुलकर कुछ नहीं बता पाते हैं। इस पर्सन को कुछ डर रहते हैं, कुछ फेयर हैं इस पर्सन को। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अभी शायद राइट टाइम नहीं है, या फिर इस पर्सन के लिए ये राइट टाइम कभी आएगा भी या नहीं आपको ऐसा लगता है, पर ये राइट टाइम आकर रहेगा। अभी ये पर्सन जगल भले ही कर रहा हो, दो सिचुएशन में ट्रैप्ड हो, दो सिचुएशन में बटा हुआ हो, पर आने वाले टाइम में ये पर्सन अगर इस एनर्जी से निकल कर एक पॉजिटिव एनर्जी में आया, जहाँ ये पर्सन सब कुछ पॉजिटिव कर पाए, अपने जीवन में कुछ कर पाए, और जो अपॉर्चुनिटीज़ इस पर्सन ने खोई हैं दोबारा इस पर्सन को मिलती हैं, उन्हें ये पर्सन एक्सेप्ट करता है और उन अपॉर्चुनिटीज़ को अब दोबारा नहीं जाने देता, तो बहुत कुछ इस पर्सन की लाइफ में बदल सकता है। जो सिचुएशन बनी हुई है, ये सिचुएशन बदल सकती है, आपके साथ एक नई शुरुआत हो सकती है, ये पर्सन रिटर्न वापस आ सकते हैं, थर्ड पार्टी को छोड़कर ये पर्सन वापस आता हुआ दिखाई भी दे रहा है, पर अभी भी बहुत सारे ना ऐसे चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कि खुलकर ये पर्सन अभी भी क्लैरिटी आपको नहीं देगा, खुलकर कोई बात नहीं बताने वाला, और जो कुछ भी इस पर्सन ने थोड़ी देर पहले बातें की हैं ना अपने फ्रेंड से की होंगी, ऐसा दिखाई दे रहा है अपने जीवन में जो इसके दुख बना हुआ है, इसके बारे में बात तो करता है ये, साथ में आपके साथ एक नई शुरुआत चाहता है ये पर्सन, इसके बारे में बात करता है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस पर्सन को बहुत कुछ दे चुके हैं, इस पर्सन को सपोर्ट की बात हो या फिर इस पर्सन के जीवन के दुख को कम करने की बात हो, आपने कोशिश की है इस पर्सन की लाइफ में आप बहुत समय तक रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। लगभग दो साल आपका ये रिश्ता चला होगा, दो साल का वक्त दिखाई दे रहा है, और इस पर्सन ने अगर इस रिश्ते को तोड़ा, या फिर इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि जब तक थर्ड पार्टी इस पर्सन की लाइफ में है, ये पर्सन आपको अपना नहीं सकते, ये मजबूरी अगर इस पर्सन की है, तो बहुत जल्द ये पर्सन इन बंदिशों से आज़ाद होने वाला है। ये पर्सन अभी जगल कर रहा है, और जगल करता हुआ दिखाई दे रहा है टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में। आप देख सकते हैं यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ
साथ साथ द एम्परर के कार्ड का आना इस बात की तरफ भी इशारा कर रहा है कि इस पर्सन में जो ईगो है या फिर जो थर्ड पार्टी में ईगो है इस पर्सन को मजबूर कर रही है उसका साथ छोड़ने के लिए। तो ये पर्सन उसका साथ छोड़ना चाहता है, आपका हाथ थामना चाहता है, आपको अपनाना चाहता है, पर ऐसा न कर पाने के पीछे भी थर्ड पार्टी का ही हाथ है। ये पर्सन जो चाह रहा है ना वो नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से ये काफ़ी असहाय और मजबूर ख़ुद को महसूस कर रहा है। तो कुछ ना कर पाने की जो एक इस पर्सन की लाचारी है वो क्लियर यहाँ पर फाइव ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में दिखाई भी दे रही है। तो ये पर्सन जगल इसीलिए कर रहा है क्योंकि इस पर्सन के फैसले जो भी ये पर्सन ले रहा है ना इस पर्सन पर ही भारी पड़ रहे हैं। और थोड़ी देर पहले इस पर्सन ने अगर आपके बारे में थर्ड पार्टी से बात की है तो यहाँ पर रिजेक्शन ही इस पर्सन को फेस करना पड़ा है, क्योंकि थर्ड पार्टी इस पर्सन के साथ कोई गेम खेल रही है ऐसा लग रहा है। वो भी काफ़ी सीक्रेटिव व्यक्ति है ऐसा भी दिखाई दे रहा है। इस पर्सन की लाइफ में जो लोग भी हैं ना वो इस पर्सन को जैसे कि अपने से बांधे रखना चाहते हैं, इस पर्सन को फ्री नहीं करना चाहते, फ्रीडम नहीं मिल पा रही। ये इस पर्सन के ना तो विचार खुलकर जाहिर हो पा रहे हैं और ना ही इस पर्सन की फीलिंग्स बाहर आ पा रही हैं। ये पर्सन बंदिशों में बंधा हुआ खुद को दिखाई दे रहा है और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इन बंदिशों से ये पर्सन जब तक आज़ाद नहीं होगा तब तक आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएगा, आपका साथ इस पर्सन को नहीं मिल पाएगा। ये चीज़ यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में भी दिखाई दे रही है कि ये पर्सन खुद की फीलिंग को, खुद के इमोशंस को, खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और इस पर्सन को डर है किसी बात का कि कोई इस पर्सन को ना आपसे जुदा कर देगा, पूरी तरह से ये पर्सन आपसे जुदा होकर रह नहीं पाएगा। ये एहसास इस पर्सन को तड़पा रहा है, जैसे कि रुला रहा है। ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कि रोना इस पर्सन की लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। ये पर्सन खुद को ना एक ऐसी एनर्जी में ट्रैप्ड पा रहा है जहाँ से निकलने की ये पर्सन कोशिश भी करे तो नहीं कर पा रहा, मतलब खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, खुद का स्टैंड नहीं ले पा रहा। और जब तक ये पर्सन खुद के लिए स्टैंड नहीं लेंगे, खुद के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक ना तो ये पर्सन आपके लिए कुछ कर पाएंगे और ना ही इस रिश्ते को बचा पाएंगे। जो रिश्ता इस पर्सन ने आपके साथ बनाया है उसे नहीं निभा पा रहा, क्योंकि इस पर्सन की कोई बहुत बड़ी मजबूरी जो है ना वो थर्ड पार्टी हो सकती है। ये अपने फ्रेंड से अगर आपके बारे में बात करते हैं तो इन मजबूरियों के बारे में ज़रूर बात करता है ये पर्सन। आपसे ये पर्सन प्यार करता है, आपको लेकर काफ़ी सीरियस है, काफ़ी ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहा है जहाँ पर अगर आप इस पर्सन की लाइफ में नहीं हैं तो सिर्फ दुख और दर्द के सिवा इस पर्सन की लाइफ में कुछ भी नहीं है। तो आपके साथ से ही खुशियाँ महसूस होंगी इस पर्सन को, ऐसा फील कर रहा है। और यहाँ पर जो एनर्जी इन सारे कार्ड्स में दिखाई दे रही हैं वो एक ऐसे व्यक्ति की भी हैं जहाँ इस पर्सन में बहुत पहले ईगो रहा होगा, ये पर्सन घमंड में रहता होगा, तो वो घमंड जो है ना थर्ड पार्टी ने चकनाचूर कर दिया है। अब ये पर्सन अपने दिल को, दिमाग को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी में आने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बारे में भी ये पर्सन थोड़ी देर पहले बहुत सारी बातें कर चुके हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।